आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। झेलना पड़ेगा, झेलिए। एक कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, फटे जूते। उसमें एक शख्स होता है जिसके पास दो जोड़ी जूते होते हैं और एक अंगूठे के पास से फटा होता है और एक तलवे के पास से। लेकिन जब भी उसको मार्केट जाना होता है तो अंगूठे के पास से जो फटा जूता है वो नहीं पहनता है कि लोग समझ जाएंगे कि वो गरीब है, तो तलवे के पास जो फटा हुआ जूता है उसको पहन के जाता है। लोगों को लगता है ऊपर से कि जूता तो बहुत बढ़िया है, चमक रहा है, नया सा है। लेकिन जब वो बाजार से आता है घर पे तो उसका तलवा लुहान हो जाता है। लेकिन वो लोगों को पता नहीं चलने देता कि वो गरीब है और वो शख्स होता है मिडिल क्लास। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम सुनते ही आप मेरे जाति और धर्म से मेरा आकलन करने लगेंगे, तो नाम को रहने दीजिए। आज मिडिल क्लास की हालत कोरोना को लेके कुछ ऐसा ही है। ये वो मिडिल क्लास है जो हर छोटी से छोटी बात में अपने सर्वाइवल का ही सोचता है। जब भी वो सब्जी खरीदने जाता है तो पहले तो पूरे मार्केट का मुआयना करता है, हर सब्जी वाले से सब्जी का दाम पूछता है और फिर उसके बाद उसकी मेमोरी पावर इतनी तेज होती है कि वो याद रखता है कि किस सब्जी वाले के पास सबसे सस्ती सब्जी है, वहाँ से वो सब्जी लेता है। ये 20-30 हज़ार रुपये के कमाने वाला मिडिल क्लास फैमिली, ये अपने आप में एक संसार चलाता है। इसको अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाना होता है और अपनी बेटी की शादी भी करनी होती है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो बेटे को भेज देता है कोटा। कोटा से याद आया मुझे, विधायक जी तो अपने संतान को ले आए। अब मिडिल क्लास वाले सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को कैसे लाएं। अब विधायक जी का नाम आया तो आप मुझे ये मत सोच लीजिएगा मैं किसी पार्टी से हूँ, बातों बातों में याद आ गया तो आपसे सोचा शेयर कर लूँ। और वो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। अब मिडिल क्लास वाले सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को कैसे लाएं। ला भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी सुनेगा कौन, सरकार उनकी सुनने वाली है नहीं। हमारा अधिकार सिर्फ इतना होता है कि हम वोट दें और वोट देकर घर आ जाएं। ये वो मिडिल क्लास का तबका होता है जो अगर एसी का भी टिकट कराता है ट्रेन में तो सबसे पहले अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बताता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और थर्ड एसी का टिकट मैंने कराया है और वो कन्फर्म हो गया है। सैलरी जो आती है इनकी वो बढ़ जाती है और बटने के बाद महीने के एंड में अगर कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई या अचानक से ज़रूरत आ गई तो ये अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहता है 10 हज़ार है क्या, अगले महीने दे देंगे। मिडिल क्लास फैमिली वाले इस कोरोना वायरस के कोरोना महामारी में खुद से एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास किराने वाला हो या मेडिकल वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला हो। सबको अपने आर्थिक स्थिति का डर लग रहा है कि पता नहीं क्यों क्या होगा। तो मेरा ये मानना था कि मिडिल क्लास वालों पे भी एक वीडियो होना चाहिए। तो सरकार से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर कोई पैकेज कहीं छूट छाट के बच गया हो तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को भी आप दें ताकि वो भी अपना गुजारा करें। बताते चलो कि मेरा YouTube चैनल भी है जिस पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बढ़िया लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे बनाऊँगा। और इस महामारी में आप बचे रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि आप मिडिल क्लास से हैं, आपके ख्याल कोई और नहीं रखने वाला है, तो आप खुद से ही ख्याल रखिए। और इस भाई को अब विदा दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। कमेंट में गालियाँ ना दें, कमेंट में वल्गर कमेंट ना करें, इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।